ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली के मंगोलपुरी में श्री श्याम छवि मंडल की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 21 जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया। आपको बता दें कि इस समारोह में श्री श्याम छवि मंडल द्वारा एक सामान्य शादी की ही भांति खान पीन की भी व्यवस्था की गई थी। सभी जोड़े अपनी शादी को लेकर बेहद उत्सुक थे और खास बात ये है कि इन नव विवाहित जोड़ों को जीवन यापन के लिए घर का जरूरी सामान भी दिया गया, जिसमें अलमारी से लेकर बाल्टी तक भी शामिल थी। साथ ही हर जोड़े को कुछ गहने भी दिए गए। वहीं इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित मंडल प्रधान ने बताया कि पिछले 13 साल से श्री श्याम छवि मंडल श्याम बाबा का जागरण करता आ रहा है और इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की शुरुआत मंडल ने 5 कन्याओं से की थी, जो धीरे धीरे 21 कन्याओं तक पहुंच गई है। साथ ही मंडल के सदस्य ने बताया कि मंडल की मंशा इस कार्यक्रम में 51 जोड़ों की शादी करवाने तक पहुंचाने की है। ये प्रोग्राम हमारा पहले शुरू में हमने 5 कन्याओं की शादी करवाई, फिर 5 से 11, 11 से 15, 15 से 21 और दूसरे दिन हमारा कल जागरण होगा खाटू श्याम जी का, शाम की 6 बजे से लेके रात के सुबह 3 बजे तक। और प्रोग्राम बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है और आगे प्रोग्राम ऐसा अच्छा होता रहेगा। और पहले हमने 5 शादियाँ हुई थी, फिर उसके बाद 15 हुई है, 11 हुई हैं, हाँ उसके बाद फिर 15 हुई है, अब की बार 21 की हुई है और अगली बार 25 की होगी और भगवान ने चाहा तो 51 की भी करेंगे। मंडल के कार्यकारिणी सदस्य ने बताया कि मंडल के सभी सदस्य एक समान हैं और मंडल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। साथ ही मंडल के महासचिव ने बताया कि कैसे मंडल के सदस्य और आसपास के लोग जोड़ों को दिए जाने वाले सामान और उपहार की व्यवस्था करते हैं। ये जो आप दहेज देख रहे हैं, ये हमारे जो मार्केट के मेंबर हैं, जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं, ये सब मिलकर इकट्ठा करते हैं, कुछ सामान लाते हैं, कुछ पैसा लाते हैं, अपना घूम घूम के पैसा लाते हैं और ये दहेज में लगाते हैं। ये हम 4 साल पहले से हमारे को प्रेरणा मिली थी शादी करवाने की, तो सबसे पहले हमने 5 कन्याओं की शादियां कराई, उसके बाद 11, 15, 21। बाबा की कृपा से सबका स्वाभाविक संयोग रहता है, ये सभी के सहयोग से होता है, सभी हमारे को दहेज में सहयोग करते हैं और अगली बार हमारी यही तमन्ना है कि हम आगे इसको बढ़ाएं और अगले साल हमारी तमन्ना है कि इसको हम 25 लड़कियों की शादियों का करें। फिलहाल जिस तरह से काफी सालों से श्री श्याम छवि मंडल की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होता है, उससे उन लोगों को तो फायदा होता ही है जो अपनी शादी का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है, साथ ही समाज को भी एक अच्छा मैसेज जरूर जाता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए मंगोलपुरी से सोनू की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर